तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकॉन ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। आप लोग दारू दिखा रहे हैं? संतोष यादव मेरा नाम हुआ। घर कहाँ है? घर यहीं पर है। संतोष यादव मेरा नाम हुआ और जो करना है आप कर लीजिए। हम दारू पी रहे हैं और जिसको बुलाना है बुला लीजिए, दिखा दीजिए। यह कहना महंगा पड़ गया इस युवक को। जी हां, सदर थाना क्षेत्र में रिपोर्टिंग के दौरान एक युवक ने दारू लहराते हुए मीडिया को चैलेंज कर दिया और दरभंगा पुलिस को खुलेआम चुनौती दे दिया कि देखिए हम दारू पी रहे हैं, इस युवक को महंगा पड़ गया। खुल्लम खुल्ला दारू दिखा कर करके, दारू की बोतल दिखा कर करके युवक ने कहा था जो करना है कर लीजिए, जिसको बुलाना है बुला लीजिए। मीडिया जब वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए एक संवाददाता पहुंचे थे तो उस समय इस युवक ने खुलेआम दारू दिखा कर करके पुलिस को खुली चुनौती दे डाली थी, जिसमें इस युवक को यह चुनौती देना बड़ा ही महंगा पड़ गया। जी हां, सदर थाना की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर टांग कर ले गई थाना और उसे आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु जेल भेजने का कार्रवाई की जा रहा है। जी हां, संतोष यादव पिता स्वर्गीय ब्रिज किशोर यादव कबीर चौक सदर थाना का रहने वाला था, उसको दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, इन्होंने खुली चुनौती दे डाली थी पुलिस को और मीडिया को कि जो करना है कर लीजिए। लगातार यह सुर्खियों में बना हुआ था, आज उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया हुआ है। जी हां, बड़ी अपडेट हम आपको इस मामले में दे रहे हैं। अपने बच्चों का भविष्य बनाए सुनहरा। उत्तर बिहार का मशहूर शिक्षण संस्थान मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस दरभंगा, जहां एक ही छत के नीचे पारा मेडिकल के डिप्लोमा एवं बैचलर और सेफ्टी एवं मैनेजमेंट कोर्स कराया जाता है। टाइम्स टुडे दरभंगा न्यूज के माध्यम से छूट प्राप्त करें। संपर्क करें मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, सेकंड फ्लोर हलाल हॉस्पिटल करमगंज दरभंगा।